नमस्कार, टारगेट विद आलोक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के खास सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ताह की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होता है। तो चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि इससे पहले से ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चीन के साथ व्यापार घाटा कम हुआ है। देश में चीनी वस्तुओं और उत्पादों के बहिष्कार की मांग के साथ चालू वित्त वर्ष में व्यापार घाटे में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में चीन से आयात में कमी की है। चीन से भारत द्वारा 65.26 बिलियन डॉलर का आयात वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया, जबकि चीन 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। इस व्यापार के साथ ही चीन के साथ व्यापार घाटा 48.66 बिलियन डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 53.56 बिलियन डॉलर था। चीन के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2017-18 में था, जो कि 63 बिलियन डॉलर के करीब था। दवाओं की खोज की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया गया है। इस पहल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा शुरू किया गया। इस हैकथॉन का उद्देश्य कंप्यूटेशनल विधियों के माध्यम से कोविड-19 वायरस के लिए दवा उम्मीदवारों की पहचान करना है। कोई भी पेशेवर, शोधकर्ता, संकाय और छात्र दुनिया भर से इसमें भाग ले सकते हैं। हैकथॉन के दौरान प्राथमिक ध्यान दवाओं की खोज के कंप्यूटेशनल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है। हैकथॉन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक चरण 3-3 माह का होगा। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन अप्रैल-मई 2021 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उपश्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहड़ी की अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिए विस्तृत कर दिया गया। अब आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी 2020 तक का समय मिला है। कार्यकाल के विस्तार के कारण के संबंध में आयोग ने कहा कि वर्तमान ओबीसी सूची में आ रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई त्रुटियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में और समय की आवश्यकता है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से भी आयोग का कार्य प्रभावित हुआ, इसलिए भी आयोग को 6 महीने का विस्तार देना आवश्यक था। भारत चीन सीमा विवाद के चलते भारत सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह फैसला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69E के तहत लिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर उपजे बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच 29 जून को यह बड़ा कदम उठाया गया। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इन एप्लीकेशन को भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बैन किया गया है। हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD ने अपने नवीनतम अध्ययन में कहा कि भारत स्विट्जरलैंड से अपने निवासियों के बैंक खातों और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया। शेष 2 देशों में फ्रांस और जर्मनी का नाम आता है। OECD के इस अध्ययन का लक्ष्य टैक्स मामलों में सूचनाओं की पारदर्शिता और लेनदेन को प्रोत्साहन देना है। इस रिपोर्ट में विश्वभर में तमाम देशों द्वारा मांगी गई सूचनाओं और उसकी कार्यवाही पर अध्ययन किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने भी अपनी कानूनी स्वामित्व की जानकारी देने, मृतक व्यक्तियों की सूचनाओं के आदान प्रदान और चुराए गए डेटा के संबंध में अनुरोधों पर कार्रवाई करने में अच्छा खासा सुधार किया है। इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड पहले की तुलना में दूसरे देशों के साथ अब अधिक जानकारियां साझा कर। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपूर्ण नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है और राज्य में सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, जो 30 जून 2020 से लागू हो गया।
इस विषय में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि संपूर्ण नागालैंड अशांत क्षेत्र है, इसलिए वहां नागरिक व्यवस्था को सशक्त बल की ज़रूरत है। अफस्पा की धारा 3 के अनुसार अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को यह लगता है कि पूरे राज्य में या उसके कुछ हिस्से में अशांति है और वहाँ की स्थिति खतरनाक है और वहाँ सशस्त्र बलों की तैनाती आवश्यक है तो राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक या केंद्र सरकार राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी एक हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। राज्य में पिछले 6 दशकों से अफस्पा लगा है। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी कमीशन्ड अधिकारी, वारंट अधिकारी और गैर कमीशन्ड अधिकारी या इस रैंक के किसी भी सैन्य अधिकारी को यह अधिकार है कि वह 5 या इससे अधिक लोगों को एक जगह पर जमा होने से रोक सकता है। और साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में अफस्पा 1958 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम यानी FPIS के लिए विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया। सार्क देशों के साथ साथ अन्य देशों के छात्रों के लिए कॉमन फेलोशिप प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी MD और मास्टर इन सर्जरी यानी MS के बाद के स्तर पर पढ़ाई करने के लिए FPIS का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE का है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत में देश की प्रतिष्ठा और भूमिका को सुधारते हुए शीर्ष पर ले जाना है। हाल ही में आसियान देशों द्वारा आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर आसियान देशों द्वारा चीन को चेतावनी दी गई है। वियतनाम और फिलीपींस ने कहा कि चीन कोविड-19 संकट के दौरान दक्षिणी चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को बढ़ावा न दे। वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन की एकतरफा कार्यवाही द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। इन दोनों देशों ने अप्रैल के महीने में ही चीन के इस हड़प नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के जरिए सभी शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण में लाने की तैयारी है। इसके साथ ही साथ खाताधारकों के हितों की रक्षा और प्रशासन में सुधार से सहकारी बैंकों को मजबूत भी किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला धोखाधड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनज़र लिया है। फैसले के पीछे तमाम कारणों में साल 2019 का पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला भी शामिल है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के क्रायोस्टेट का आखिरी हिस्सा भी पूरा कर लिया। फ्रांस के कादारसे में तैयार किया जा रहा इस प्रोजेक्ट का मकसद धरती पर सूर्य से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करना है। आपको बताते चलें कि क्रायोस्टेट के इस हिस्से को भारत की एक निजी कंपनी L&T ने सूरत के हजीरा में बनाया है। दरअसल क्रायोस्टेट स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर वाला एक चैम्बर होता है। जब कोई रिएक्टर बेहद गर्मी पैदा करता है तो उसे ठंडा करने के लिए आवश्यक विशाल रेफ्रिजरेटर ही क्रायोस्टेट होता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा किया जाएगा। गौरतलब है कि थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल यानी ITER की यह मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस की परियोजना परमाणु विखंडन पर नहीं बल्कि सूर्य की ही तरह परमाणु संलयन के आधार पर काम करती है। ITER के इस प्रोजेक्ट में भारत सहित यूरोपीय देश, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस और रूस जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। ITER प्रोजेक्ट का सदस्य देश होने के नाते भारत ने क्रायोस्टेट बनाने की जिम्मेदारी चीन से ले ली थी। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA द्वारा विश्वभर में महिलाओं की घटती संख्या को लेकर स्टेट ऑफ पॉपुलेशन 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर वर्ष विश्वभर में तकरीबन 14 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। इन लड़कियों की मृत्यु की संख्या बीते 50 वर्षों में दोगुनी हो गई है। जहां भारत में साल 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या 4.5 करोड़ है, वहीं चीन में यह संख्या 7.3 करोड़ है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि विश्व में लिंग परीक्षण के कारण मृत लड़कियों की संख्या कुल मृत लड़कियों की संख्या का 2/3 है, जबकि जन्म के बाद मृत लड़कियों की संख्या 1/3 है।
यानी इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा लिंग परीक्षण बैन या प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी धड़ल्ले से यह काला कारोबार देश में फल फूल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में ब्राज़ील में 709 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बिजली गिरी, जबकि साल 2019 में अर्जेंटीना में 16.73 सेकंड तक चलने वाली बिजली का वज्रपात हुआ, जो कि अब तक बिजली चमकने का सर्वाधिक लंबा रिकॉर्ड है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील के इस रिकॉर्ड लंबी दूरी तय करने वाली बिजली गिरने से पहले दूसरी सबसे लंबी आकाशीय बिजली चमकने का रिकॉर्ड अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के पास था, जहां 20 जून 2007 को 321 किलोमीटर लंबी आकाशीय बिजली चमकी थी। विश्व में आकाशीय बिजली गिरने की सबसे अधिक घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 77.8 मिलियन ब्राज़ील में घटित होती है। बिजली चमकने को अब रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जाता है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में मेगा फ्लैश कहा जाता है। वज्रपात या आकाशीय बिजली वायुमंडल में होने वाला एक अत्यंत तेज और भारी विद्युत प्रवाह है, जिसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर आ जाता है। बिजली का यह प्रवाह 10 से 11 किलोमीटर लंबे उन बादलों में होता है जो विशाल आकार के होते हैं और उसमें भारी आर्द्रता होती है। बिजली वाले बादल पृथ्वी से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, लेकिन इनका शीर्ष भाग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के UGC HRDC के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर और महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल ने साल 2020 के लिए गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। श्री त्रिपाठी को यह पुरस्कार महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी जी पर किए गए कार्यों को सम्मानित कर रहा है। अभी तक डॉक्टर त्रिपाठी की 30 से अधिक पुस्तकें प्रभावित हो चुकी हैं। यह पुरस्कार हाउस ऑफ लंदन में 11 से 13 जून 2021 को आयोजित गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल के एक आयोजन में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के जरिए राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर COVID-19 परीक्षण क्षमता को 2 गुना कर 4000 से 8000 किया जाएगा। यह सर्वे राज्य के हर घर में डोर टू डोर किया जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में तकरीबन 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। दैनिक आधार पर 15,000 से 20,000 नमूनों को एकत्र कर परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए विश्व बैंक ने $50 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। यह लाभ हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों को मिलेगा। विश्व बैंक ने यह राशि 1994 से चल रहे स्टार्स प्रोग्राम के लिए दिया है। 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। भारत ने 265 पाकिस्तानी आम नागरिकों और 97 मछुआरों की सूची सौंपी और पाकिस्तान ने भी अपनी हिरासत में मौजूद 54 आम नागरिकों और 270 भारतीय मछुआरों की सूची सौंप दी है। आपको बताते चलें कि साल 2008 में हुए राजनयिक पहुँच संबंधी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पास बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी और 1 जुलाई को करते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून 2020 को 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया। भारत सरकार ने साल 2007 में प्रतिवर्ष 29 जून को प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर यह दिवस मनाने की घोषणा की। महालनोबिस ने साल 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, जो 1959 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के जरिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान बन गया। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का असली मकसद है। साल 2020 में इस दिवस की थीम SDG 3 यानी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, और SDG 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाए रखा गया है।
1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना ही इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि श्री विधान का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिहाज से दिल्ली में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। देश भर में यह प्लाज्मा बैंक अपनी तरह का पहला बैंक होगा। इस घोषणा के मौके पर मुख्यमंत्री ने ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा देने की अपील की है। इसके लिए केजरीवाल ने एक विशेष हेल्पलाइन जारी करने को कहा है। प्लाज्मा थेरेपी के साथ परीक्षण करने के लिए ICMR से मंजूरी पाने वाले कुछ विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एक है। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चलें कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। गौरतलब है कि ICC का अध्यक्ष अधिकतम 3 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। ICC के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी हैं। 30 जून को NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल और SDMC ने दिल्ली के ओखला में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता न सिर्फ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था में प्रयास है बल्कि हमें हरित भविष्य की ओर भी ले जाएगा। देश के बड़े शहरों में बढ़ रहे सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट की समस्या से निपटने के लिए यह एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। 1 जुलाई को राजनीतिक स्थिति को लेकर रूस में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें वर्तमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बने रहने का जनादेश हासिल किया। रूस में हुए संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के दौरान जनता ने राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। हाल ही में इंग्लैंड के नाइजेल लोंग के स्थान पर भारतीय युवा अंपायर नितिन मेनन को 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया। नितिन मेनन ICC के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर होंगे। मेनन का चयन ICC के महाप्रबंधक जोफ एलरडास, कमेंटेटर संजय मांजरेकर और मैच रेफरी रंजन मधुगले और डेविड बून की चयन समिति में किया गया। इसके पहले नितिन मेनन अंपायरों के एमिरेट्स ICC अंतर्राष्ट्रीय पैनल का हिस्सा थे। पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और रवि सुंदरम के बाद इस सूची में जगह बनाने वाले नितिन मेनन तीसरे भारतीय हैं। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति ने 30 जून को सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। अस्थायी समिति की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन समिति के 162 सदस्यों ने विधेयक को मंजूरी दी है। आपको बताते चले कि उम्मीद जताई जा रही थी कि इसे 1 जुलाई 2020 से लागू भी कर दिया गया। साल 1997 में 1 जुलाई को ही ब्रिटिश शासन ने हांगकांग को चीन के एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में सौंपा था। ऐसे में हांगकांग 1997 से चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। हांगकांग के विदेश और रक्षा संबंधी मामले को चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शेष कार्यवाही, विधायी और स्वतंत्र न्यायिक शक्ति इसकी अपनी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कपास की रंगीन प्रजाति को विकसित करने में सफलता पाई है। इसके विकसित होने से अब रासायनिक रंगों से कपड़ों को नहीं रंगना होगा। आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों ने कपास के आणविक रंग के जेनेटिक कोड में बदलाव कर यह सफलता पाई है। रंगीन कपास को विकसित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी प्रयोग किए और हमारे वैज्ञानिकों को हरे और भूरे रंग के कपास को विकसित करने में सफलता भी मिली है। अमेरिका में कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका की कार्नेगी कॉर्पोरेशन सम्मानित करेगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज शेट्टी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 20 जुलाई तक पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाएगा। मंत्रालय यह उम्मीद करता है कि सभी अधीनस्थ और अकादमी में या अपने आसपास संभावित जगहों पर अवश्य ही पेड़ लगाएंगे। मंत्रालय ने इस पर्व के दौरान बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल जैसे अहम पेड़ों को प्राथमिकता दिया है।
1 जुलाई की तारीख को नेशनल चार्टर्ड दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 1949 को ICI को संसद में पारित एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की वित्तीय स्थिति को दिशा देते हैं। ICI 1994 में स्थापित हुआ देश का सबसे पुराना पेशेवर निकाय है। ICI के सदस्य अपने नाम के आगे CA का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि श्री पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तकरीबन 3 दशकों के करियर में श्री पांडे ने विदेश मामलों के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करने के साथ साथ अफगानिस्तान, मिस्र, ओमान, पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों में भारतीय मिशनों का हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।